नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीएचयू में छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। क्या मांग रही थी? सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, कोई हमारे साथ छेड़खानी ना करे कैंपस में, ये सुनिश्चित कीजिए। हुआ क्या? सुरक्षा कर्मियों ने उन्हीं पर लाठियां बरसाई। अब सवाल यही है कि आप सुरक्षा मांगे और वो भी बेटियां सुरक्षा मांगे तो उनके साथ ये व्यवहार होगा? बेटी पढ़ाएं या बेटी बचाएं? बीएचयू की इन लड़कियों ने तो महज अपने हक की मांग की थी, लेकिन हक मिलना तो दूर, पुलिस वालों ने उन पर अपनी लाठियां तोड़ दी। पुलिस की लाठियों की मार के सामने बेबस छात्राओं की चीखें पूरे देश ने सुनी। इस घटना ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि हर घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, और बेटियों की हक की आवाज दबाने के लिए जब ये बर्बरता हुई तो हर आंख में अंगारे भर उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र में महामना मदन मोहन मालवीय के हाथों बने विद्या के इस मंदिर में छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ था। लिहाजा योगी सरकार को हरकत में आना ही था। छात्राओं के आंदोलन की लपटों पर पानी डालने के लिए तत्काल एक्शन हुआ। लंका थाने के प्रभारी को हटाकर पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया। उनकी जगह जैतपुरा के एसओ संजीव मिश्रा को लंका का चार्ज दे दिया गया, जबकि भेलूपुर के सीओ निवेश कटियार को उनके पद से हटा दिया गया। उनके अलावा वाराणसी के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट सुशील कुमार गोंड को भी हटा दिया गया है। इस मामले में बीएचयू के 1000 छात्रों पर आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने घटना की जाँच करवाने के आदेश दिए, साथ ही कमिश्नर और एडीजी से ज्वाइंट रिपोर्ट भी तलब कर। सूत्रों के मुताबिक बीएचयू में छात्राओं पर बर्बर लाठी चार्ज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। राजनीतिक पार्टियों को बीएचयू की छात्राओं के आंदोलन की गर्म आंच पर सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीएचयू गेट पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यूथ कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो प्रोटेस्ट करने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका गया है। यहाँ पर बीएचयू के गेट को लॉक किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। कई यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको इसलिए इजाजत नहीं दी गई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है इससे माहौल पूरा खराब होगा। समाजवादी पार्टी ही नहीं, दूसरे दलों से जुड़े संगठनों ने भी बीएचयू में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बनारस से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस से जुड़ी एनएसयूआई, बीजेपी से जुड़ी एबीवीपी और लेफ्ट संगठन भी इस मौके को भुलाने में पीछे नहीं रहे। सांप निकल गया और बीएचयू प्रशासन अब लकीरें पीटने में लगा हुआ है। कुलपति अपनी नाकामी का ठीकरा बाहरी तत्वों पर फोड़ रहे हैं। बीएचयू के गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों की समस्याएं वाजिब है। बरसों से वो लंका गेट पर लंकेटिंग करने वाले शोहदों की छेड़खानी की शिकार होती रही। छात्राओं ने अपने हक की मांग उठाई थी, लेकिन उनका आंदोलन तो साजिशों की आग में झुलस गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा जो मेन मूवमेंट था वो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स के लिए था। हमने मूवमेंट शुरू इसलिए किया था कि गर्ल्स के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हरेसमेंट हो रहा है, हम उसे ओवरकम कर सके। इस तरह से यहाँ पर पूरा मामला हैंडल किया गया, क्या आपको लगता है कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी सही तरीके, हमारी बात ही नहीं पहुंची है वहाँ तक। अच्छा, यानी कि वो जो आप लोगों की समस्या की बात थी वो कहीं दूसरे रूप में चली गई, प्रोटेस्ट रूप, मतलब एक जैसे हिंसात्मक रूप दे दिया। बीएचयू प्रशासन ने लड़कियों को हॉस्टल से बाहर जाने का फरमान वापस लेकर छात्राओं के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश तो की है, लेकिन उनके उस बुनियादी हकों का सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसे लेकर उन्हें पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ी। रोशन जायसवाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। और ये लंबे वक्त से हो रहा है, बीएचयू में ये छात्राएं लंबे वक्त से छेड़खानी का ये दंश झेल रही हैं। आवाज जब जब उठाने की कोशिश की, दबा दी। उनका ये कहना है कि पुलिस कर्मियों के सामने उनके साथ छेड़खानी होती है, लेकिन उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आता। सुनिए, खुद बता रही है।
अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा माहौल है जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की होगी। विचारों की आजादी, इसके लिए जानी जाती थी ये ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, लेकिन आज यहाँ पे इंटिमिडेशन, डर और खौफ का माहौल है। क्यों है, हम खुद बात करेंगे, तमाम छात्र हमारे साथ हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या है पर्दे के पीछे का सच। तमाम छात्राएं भी यहाँ पे हैं और उनसे ही जानते हैं। मैम, किस तरह से आप लोग को इंटिमिडेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप किसी से बात मत कीजिए, जो हुआ वो घटना मत बोलिए। देखिए, इस कैंपस में लड़कियों को छेड़ने का मामला चाहे अक्सर ही होता रहता है, उसमें कुछ बाहरी लड़के भी आते हैं जो कि इस ढंग का काम करते हैं, और इस ढंग की परेशानियां हम लड़कियों के साथ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की बहुत अच्छी सिस्टम नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और हमारी जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, जो हमारे गार्ड्स हैं, उनके पास बहुत अधिक अथॉरिटी नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। अगर हम किसी चीज़ की शिकायत करते हैं तो उसको दबाने की अधिक कोशिश की जाती है, उसको दबाने की अधिक कोशिश की जाती है। इसी छोटी छोटी हम अपनी छोटी छोटी मांगों को लेके अपनी अपनी वीसी से गुजारिश कर रहे थे कि वो हमारी मांगों को सुने और उसे फुलफिल करने की कोशिश करें, लेकिन वीसी ने हम लोगों को नहीं सुना, वीसी ने हम लोगों को नहीं सुना, और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि मारपीट का माहौल हो गया। ईव टीजिंग होता है, फिर हमारे जो गोमती हॉस्टल है उधर में लड़के पत्थर वत्थर फेंक के जाते हैं, और नवीन हॉस्टल के आगे तो लड़कियों को बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे शाम का 5:30 हो जाता है, कोई भी लड़की दो लोग भी जाती है तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कमेंट्स अकेले बिल्कुल, अगर नवीन में जाना है तो अकेले या दो लोग भी जाए तब भी दिक्कत है। और ये प्रॉब्लम आज के नहीं, बहुत मतलब हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स 12-15 सालों से हैं, लेकिन और ये जो वीसी ने जो भी हमारे खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग बस सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हम लोग कोई बहुत एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज वी आर हैप्पी व्हाट इंडिपेंडेंस वी आर हैविंग। और यही वजह है कि ऐतिहासिक है कि इतनी सारी छात्राएं एक साथ धरने पर आई, एक साथ उन्होंने आवाज बुलंद की उस रात। जैसा कि ये है, उस दिन ये इंसिडेंट 6 बजे हुआ है, तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हम लोग देखते हैं ये ऐसी घटनाएं दिन में, दोपहर में हम लोग कॉलेज से लौट रहे होते हैं, चाहे दोपहर में हो या मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप निकलेंगे ना, तब भी हो जाती है, कॉलेज टाइम भी हम लोग के साथ ये चीज़ हो चुकी होती है, रोज हो रहा है, लड़के कमेंट मार के चले जाएंगे, अकेली लड़की देखेंगे, पीछा करते हैं। खुद ने भी ये फेस किया है यहाँ पे आके, जैसे मेरे पास तो स्कूटी है, तो अब मैं स्कूटी से रात को कभी देर हो जाता है, हम लोग फैकल्टी में होते हैं, कभी कुछ काम पड़ जाता है, तो लौटते वक्त लोग पीछे लग जाते हैं आपके, एक नहीं मतलब आप मान लीजिए 3-4 बाइक पे 3-4 मतलब कुल मिला के 8 लोग तो फॉलो करने लगते हैं, पीछे पीछे आते रहते हैं, तो ये देख के घबराहट होती है, फिर लगता है कि ये कैसा प्रशासन है, ये क्या चल रहा है, मतलब इतने सारे जगह जगह से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वो ही नहीं है। इनफैक्ट आप ये देखिए, कई सारी यूनिवर्सिटीज में कोई भी मेन गेट से एंटर करता है तो पूरी पूछताछ होती है कि आप कहाँ से हैं, क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि मेन गेट से कोई भी आता जाता है, कोई पूछताछ होती नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बाहर से आया था, तो इसीलिए ये कहना कि कोई बाहर से आया था वो तो गलत था। और दूसरी बात ये भी, अगर वाइस चांसलर सर ये कह रहे हैं कि कोई बाहर से आए, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर से लोग ना आए। जिस दिन मोदी जी आए थे बनारस में, उस दिन शाम में उनका ये रूट था शायद कहीं जाने का, हमारे बीएचयू गेट के सामने बहुत फोर्सेस थी जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी, महिला पुलिसकर्मियों ने कई कई बार हम लड़कियों से कहा कि तुम लोगों को पीटने के लिए यहाँ 300-400 पुलिस जो हैं वो तुम लोगों को पीटेंगी, अभी बस मोदी जी को यहाँ से चले जाने दो। उस शाम के बाद और वैसा ही हुआ, और उसके कल होके दिन में भी हम लोगों को धमकाया गया कि लाठीचार्ज हो गया, हमारी बातें हमारे वीसी सर ने नहीं सुनी। जो आप लोग को उसके बाद से डराने की कवायद शुरू हुई, क्या क्या किस तरह की धमकियां दी जा, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्कार्फ तो इसलिए ही बांध रखा है क्योंकि बहुत प्रेशर है, मतलब हमें डराया धमकाया जा रहा है कि आपको रेस्टिगेट कर देंगे आपके फैकल्टी से या जो भी, जिस वजह से हम लोग खुलकर यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, तो ये एक रीज़न है। प्लस इस पॉइंट पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़की शाम को गई, गलत लड़की के साथ हुआ, लेकिन लड़की की फ्रीडम को आप कर्टेल कर रहे हो, उसकी जगह आप लड़के को नहीं बोल रहे हो,
कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसको पॉइंट आउट कोई नहीं कर रहा, सब आके लड़की को बोल रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि तमाम लड़कियों ने वादा किया था कि वो यहाँ पे आएंगी, पर कई लोग पीछे हट गई क्योंकि उन पर तलवार लटक रही है, एक तो FIR की और दूसरी हॉस्टल से निकाले जाने की, उसके बावजूद भी आप लोग आज यहाँ पे। हाँ, हॉस्टल के अंदर ये माहौल हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कुछ लड़कियां, मात्र 15 या 20 लड़कियां बची हुई हैं प्रत्येक हॉस्टल में, और ये कहा जा रहा है कि आप जाकर के मीडिया वालों के सामने ये कहिए कि हॉस्टल खाली नहीं कराया जा रहा है, हम लोग स्वेच्छा से हॉस्टल खाली कर रहे हैं, जबकि कल वो लोग जबरदस्ती सारी लड़कियों को घर भेजी ये कहते हुए कि तुम लोग घर जाओ। लड़कियां बोली कि हम लोग का पेपर है, हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग की तैयारी करनी है, तो ये कहा गया कि तुम लोग घर जाके तैयारी करो लेकिन यहाँ किसी को नहीं रहना है। मोदी जी यहाँ 3 दिन तक थे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मोदी जी को उनके कान तक ये बात गई नहीं हो कि लड़की के साथ क्या हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ, और 3 दिन तक बच्चे धरने पर बैठे हैं, और उन्होंने जानबूझकर या फिर लोगों ने ऐसा किया कि उनका रास्ता ही बदल दिया। क्या रास्ता बदलने से वाकई में देश की हकीकत बदल जाएगी? क्या महिला सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? क्या आवाज दबाने से वाकई में आवाज दब जाएंगी? सवाल यही है कि आखिर अगर सच ये नहीं है तो उसको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? छात्रों को चुप रहने की कोशिश क्यों की जा रही है? कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मौसमी सिंह, बनारस आज तक। हनीप्रीत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है अग्रिम जमानत की अर्जी के साथ, क्योंकि उसका ये मानना है कि जिस तरह के मामले उसके खिलाफ गए हैं उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में हनीप्रीत ने। हनीप्रीत और गुरमीत सिंह, जी हाँ, बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह चाहते थे कि उनका एक बच्चा हो और वो डेरे का उत्तराधिकारी बनाया जाए। देखिए, अब तक आपने हनीप्रीत पर बहुत से खुलासे देखे हैं, हनीप्रीत के बहुत से सीक्रेट बाहर आए हैं, लेकिन अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं, यकीनन वो जितना बड़ा है उससे पर्दा भी सबसे देर से ही उठ रहा है। ये समझ लीजिए, राम रहीम और हनीप्रीत पर अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं वो सारे छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सीक्रेट तो अब सामने आया है। हनीप्रीत के इस सीक्रेट को समझाने के लिए पहले आपको उसकी शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। हनीप्रीत को मन ही मन चाहने वाले राम रहीम ने पहले उसकी शादी करवाई। जमाने के सामने बाबा ने हनीप्रीत को उसके पति विश्वास गुप्ता के साथ हनीमून पर भी भेजा, लेकिन ये हनीमून एकदम फर्जी था, क्योंकि हनीप्रीत के साथ असली हनीमून बाबा को मनाना था। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, शादी की ये तमाम तस्वीरें एक धोखा थी, दिखावा थी, क्योंकि पाप के भागीदार राम रहीम और हनीप्रीत पहले ही बन चुके थे। जी हाँ, बाबा और हनीप्रीत अपने अवैध संबंधों को एक संतान की शक्ल देना चाहते थे। राम रहीम अपनी कथित बेटी से एक बच्चा चाहता था जिसे आगे जाकर वो डेरे का उत्तराधिकारी बना सके, और ये आइडिया खुद हनीप्रीत का था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राम रहीम के बाद डेरे का इतना बड़ा साम्राज्य उसके बेटे जसमीत सिंह इंसा को मिले। हनीप्रीत चाहती थी कि वो गुरमीत राम रहीम के द्वारा एक बच्चा पैदा करे जिसको विश्वास गुप्ता का नाम हो, लेकिन बच्चा गुरमीत राम रहीम का हो, और उसे ये गद्दी देना चाहती थी। राम रहीम के बाद डेरे में अगर किसी का दबदबा था तो वो हनीप्रीत का बन चुका था, इसीलिए हनीप्रीत चाहती थी कि राम रहीम और उसका कोई बेटा हो और वही डेरे का मुखिया बने। राम रहीम चाहता था कि बेटा उसी से पैदा हो, लेकिन दुनिया की नजर में उसका बाप हनीप्रीत का पति विश्वास गुप्ता रहे। हनीप्रीत और राम रहीम का प्लान था कि वो अपने बाद भी लोगों की भक्ति भावना से खेलते रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि उनका जो बेटा होगा वो उसे खुदा का बेबी कहकर भक्तों के बीच पेश करेंगे, इससे भक्तों के दिल में पहले से ही उसके प्रति सम्मान और आस्था रहेगी, जिससे उसके और हनीप्रीत के बच्चे को आगे चलकर डेरा प्रमुख बनाने में आसानी होगी। लेकिन विश्वास गुप्ता ने राम रहीम और हनीप्रीत के बीच अवैध संबंधों को अपनी आंखों से देख लिया, जिससे बाबा और हनीप्रीत के बेबी प्लान पर पानी फिर गया। 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में, तो बाबा की गुफा में रहता तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया,
तो जब आदमी को क्रोष्टी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरे बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाज़ा, पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। बाबा और हनीप्रीत की अय्याशी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि शादी की दूसरी रात को ही बाबा ने हनी को अपनी गुफा में बुला लिया था। इसके बाद तो दोनों ने हद ही कर दी। 24 घंटे में से 23 घंटे हनीप्रीत राम रहीम के साथ रहने लगी। राम रहीम ने हनीप्रीत के साथ अय्याशी करने के लिए कितना दिमाग लगाया आप समझ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त हनीप्रीत की सगाई हो रही थी, बाबा हरियाणा के फतेहाबाद में अपनी खास कार 2 सीटर BMW से पहुंचा था। इतना ही नहीं, सगाई की रस्म पूरी होने के बाद राम रहीम अपने 2 सीटर BMW में हनीप्रीत को साथ ले गया था। इसके बाद डेरे में हनीप्रीत की शादी की। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यौरा। रोज नई जानकारी राम रहीम के बारे में। और इसी कड़ी में अब कहा जा रहा है कि अपनी अय्याशी का जाल बुनने के लिए ये गुरमीत सिंह हर रोज एक नई परिभाषा लिख देता था, प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, भगवान की भक्ति की। गुरमीत पहले राम रहीम बना, फिर बाबा, और आखिर में निकला एक बलात्कार। इस ढोंगी बाबा ने न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, न जाने कितनी लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की। और ये सब करते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई, क्योंकि अपनी आदतों से मजबूर गुरमीत राम रहीम ने शर्म का पर्दा तो बहुत पहले ही फाड़ डाला था। हया की दीवार तो कब की गिरा दी थी, मर्यादा की सीमाएं कब का लांघ चुका था। राम रहीम को पसंद था वन नाइट स्टैंड, बाबा को पसंद था इश्क मिजाजी। राम रहीम कितना बड़ा अय्याश था, इसकी तस्दीक तो बहुत पहले हो चुकी, लेकिन लड़कियों और औरतों को वो किस निगाह से देखता था, इसकी तस्दीक आज हो रही है। जी हाँ, दरअसल बाबा हवस का पुजारी था। उसे लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करना, उनका फायदा उठाना तो अच्छा लगता ही था। इसे वो नाम भी देता, इश्क मिजाजी। राम रहीम अक्सर अपनी मजलिस में कहा करता कि इश्क 3 तरह का होता है। एक रूहानी, मतलब भगवान से प्यार। एक हकीकी, मतलब दिल से प्यार करना। और एक मिजाजी, रात गई और बात गई। तो बाबा इस चीजों का बहुत ज्यादा शौकीन था और ठरकी था, इस इश्क मिजाजी था। एक बार उसने बोला था भी 3 तरह का इश्क होता, और एक मिजाजी, और एक करवाही होता, और एक हकीकी होता। वो कहता भी एक मिजाजी होता है इश्क, जो रात गई और बात गई, आज किसी के साथ और कल किसी के साथ। और उसकी जो भावना थी वो उसकी मिजाजी थी, आज किसी के साथ कल किसी के साथ, तो वो उसमें झलकती थी। इश्क के 3 मायनों में राम रहीम को इश्क मिजाजी ही पसंद है, रात गई बात गई वाला। तभी तो वो मासूमों को अपना शिकार बनाता, उनके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता, हर रात एक बेबस लड़की के साथ ज्यादती करता। मगर उसका पहनावा, उसका रवैया, उसकी बेहया निगाहें सब कुछ बयां कर जाते, पता चल जाता कि वो कितना बड़ा अय्याश है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके हाव भाव से या उसके चेहरे से ये चीजें झलक जाती थी भी ये इस टाइप का आदमी है। उनके जो रिश्तेदार थे, उनके न्याई थे रिश्तेदार, जो हरमंदर जस्सी है, वो भी अक्सर मेरे से बात करते थे भी ये बहुत ज्यादा ठरक। इंसान की खाल में छिपे इस भेड़िये को मासूम जिंदगियां तबाह करने में सुकून मिलता था, लड़कियों और औरतों के साथ गंदा काम करने में मजा आता था। इसलिए क्योंकि इसका दिमाग पॉर्न फिल्मों में परोसी जाने वाली अश्लीलता ने पूरी तरह खराब कर दिया था। राम रहीम अपने खास सेवादारों से ब्लू फिल्मों की CD मंगवाता, देखता और फिर मासूम लड़कियों के साथ हैवानियत का घिनौना खेल खेलता। गुरमीत राम रहीम शुरू से ही ब्लू फिल्म देखने का शौक था, और ये फिल्में देखता था। जगदीप शर्मा एक जो फिल्में लेके आता था गुफा में, लोगों को तो कहता था ये TV नहीं देखना, आप गुफा में ब्लू फिल्में देखता था।
कानून ने राम रहीम को सजा दी तो लोगों में हिम्मत आई, फिर एक के बाद एक इससे जुड़ी कलंक कथाएं सामने आती गई। लेकिन इन सब से पर्दा तो तब उठेगा जब उसकी सबसे करीबी और राजदार हनीप्रीत पुलिस के हत्थे चढ़ेगी, जिसकी तलाश जारी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक लेकिन हनीप्रीत को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। यूपी के शाहजहांपुर में पोस्टर्स लगाए गए हैं और वो पोस्टर्स ऐसे लगाए गए हैं कि हनीप्रीत को लाओ, 1,00,000 का इनाम पाओ। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन हनीप्रीत ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि हनीप्रीत के सामने कानून के हाथ बौने साबित हो रहे हैं। हनीप्रीत को जमीन खा गई या आसमान निकल गए, आखिर ये हनीप्रीत मिलती क्यों नहीं? अब तो हनीप्रीत को पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जो हनीप्रीत को पकड़ कर लाएगा वो पूरे 1,00,000 रुपए पाएगा। हनीप्रीत फरार है, वो तो कहती है मैं उसकी बेटी हूँ, लेकिन बेटी के नाम पर वो बिल्कुल कलंकनी औरत है, जहरीली नाग है, और अभी पूरे देश में फरार है, पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां चक्कर पड़ी है, लेकिन हनीप्रीत पकड़ी नहीं जा रही। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर वांटेड हनीप्रीत के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इन पोस्टरों पर इनाम की राशि भी लिखी हुई है, पूरे 1,00,000 रुपए। शाहजहांपुर में रहने वाले एक समाज सेवी फकीरे लाल भोजवाल ने हनीप्रीत पर ये इनाम घोषित किया है। उनका कहना है कि जो हनीप्रीत को पकड़ेगा उसे अपने हाथ से वो 1,00,000 रुपए देंगे, चाहे वो कैश ले लो या फिर चेक ले लो। 25 अगस्त की रात से राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत फरार है। 7 राज्यों की पुलिस इसके पीछे लगी है। अब हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंचकुला पुलिस डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर पहुंची और हनीप्रीत के नाम का नोटिस वहां की मैनेजर विपासना को थमाया। नोटिस में लिखा है कि अगर हनीप्रीत ने खुद को सरेंडर नहीं किया तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। शाहजहांपुर से विनय पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अब ये गुरमीत और हनीप्रीत के ही रिश्तों के राजदार ने नया खुलासा किया है। क्या खुद हनीप्रीत ही पर बात करना चाहती थी, सौगंध खाई थी कि राम रहीम को बर्बाद करेगी? गुरमीत सिंह को बर्बाद करने की सौगंध क्या खुद हनीप्रीत ने खाई थी? ऐसा ही कुछ बता रहे हैं ऐसे लोग जो करीबी हैं, जो राजदार हैं। उनका कहना है कि उसी सौगंध को पूरा कर रही थी हनीप्रीत। हनीप्रीत की शादी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले 99 को हुई थी और 15 फरवरी को बाबा जी इनके घर आते हैं। घर पर इसके जो बेडरूम था वहां बाबा बैठते हैं, जाके मैं और मेरा कजन गेट पे खड़े होते हैं। पहले सारा परिवार को अंदर बुलाते हैं, जब अंदर चला जाता है फिर वो इसके फादर मदर सिस्टर ब्रदर इन लॉ, फिर वो एक एक करके सारे बाहर आ जाते हैं। सारा परिवार बाहर आ गया, हनीप्रीत अकेली अंदर रह गई। ये है गुरदास सिंह, राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बेटे, और हनीप्रीत राम रहीम के रिश्तों के अहम चश्मदीद। राम रहीम के गुनाहों का एक खुलासा ये भी कर रहे हैं। मैंने मेरे कजन को कहा भी आज बाबा हनीप्रीत के साथ धक्का करेगा, जबरदस्ती करेगा। वही बात हुई, सारा परिवार बाहर आ गया, हनीप्रीत अकेली अंदर रहेगी। और जब 35-40 मिनट लगाए बाबा ने, उसके बाद उसकी हालत देखने वाली थी। उस टाइम आप वहीं थे? मैं वहीं था, मेरी आंखों के सामने हुआ ये। बंद कमरे में बाबा ने हनीप्रीत के साथ जो किया था गुरदास की माने तो हनीप्रीत उसका बदला लेना चाहती थी। वापस आ गई और उसने अपने आके दादाजी को बोला, क्योंकि इसके जो मदर फादर है वो फतेहाबाद में रहते थे, दादाजी इनके सिरसा रहते थे, और बोला भी मैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखना इसके बाद मैं बाबा को बर्बाद कर दूंगी। गुरदास सिंह ये भी कहते हैं कि आज बाबा जेल में 20 साल की सजा काट रहा है तो इसके पीछे हनीप्रीत ही है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अगर आपको तेज खबरें देखनी है, दिलचस्प खबरें देखनी है सिर्फ 40 सेकंड में, तो न्यूज तक के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक।